इंसानों के पेशाब से बियर बना रही है ये कंपनी। नशे के चक्कर में बिना नाम पढ़े घटाघट पी रहे हैं लोग। इस बार खरीदने से पहले जान ले उस कंपनी का नाम। कंपनी ने खुद मानी इंसानों के पेशाब से बियर बनाने की बात। खबर जानकर लोगों में मची खलबली। अच्छे अच्छों का उतर गया नशा। आप भी हैं बियर पीने के शौकीन तो हो जाएं सावधान, कहीं आपकी भी बियर में तो नहीं मिला है इंसानों का पेशाब। वीडियो में समझे विस्तार से पूरी बात। बाजार में कई तरह की बियर उपलब्ध हैं। अलग अलग ब्रांड अलग अलग खूबियों वाली बियर बेचते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि बाजार में एक ऐसी बियर उपलब्ध है जिसमें कई इंसानों का यूरिन मिला है यानी कि पेशाब मिला है, तो आप ये खबर जानकर हैरान हो जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बात को खुद बियर बनाने वाली कंपनी ने स्वीकार किया है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप यूरिन वाली बियर नहीं पीना चाहते हैं तो आपको किस कंपनी की बियर पीने से बचना चाहिए। तो अगर आप भी बियर पीने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये जानकारी हर उस शख्स तक पहुंच सके जो बियर पीता तो है लेकिन उसे नहीं पता कि किस कंपनी की बियर में इंसानों का पेशाब मिला है। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। इसी साल एक शराब बनाने वाली कंपनी के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न इंसान के पेशाब का इस्तेमाल करके बियर बनाई जाए। इसके लिए इस कंपनी ने उत्तरी यूरोप के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल रोस्किल्ड में ढेरों सारे शौचालय बनाए और लोगों को उनमें मुफ्त में पेशाब करने की अनुमति दी। फिर यहां से करीबन 50,000 लीटर पेशाब इकट्ठा किया गया और उससे बियर बनाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बियर बनाने वाली कंपनी को इस बियर को बाजार में बेचने की अनुमति भी सरकार से मिल गई। हम जिस बियर की बात कर रहे हैं वो सिंगापुर की एक कंपनी में बनती है। हालांकि ये बनाने के बाद उसे दूसरे देशों में भी भेजा जाता है जहां इसे स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। इस बियर को पूरी दुनिया में न्यू ब्रू या नॉर्ब्रो के नाम से जाना जाता है। अगर आप यूरिन से बनी बियर नहीं पीना चाहते हैं तो जब भी आप वाइन शॉप या शराब की दुकान से बियर खरीदें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उसमें न्यू ब्रू नाम की बियर ना हो। अब कंपनी ने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में भी जरा सा समझ लीजिए। द स्ट्रेट टाइम्स के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी ने पानी बचाने के लिए ऐसा किया। दरअसल बियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सिंगापुर जल संकट से गुजर रहा है जबकि आने वाले सालों में इस देश में पानी की स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। यही वजह है कि नॉर्ब्रो बियर बनाने वाली कंपनी ने फैसला किया कि वो यूरिन को रिसाइकिल करके उससे बियर बनाएगी। इस बियर को पीने वाले लोगों का कहना है कि भले ही ये बियर यूरिन से बनी हो लेकिन इसका स्वाद किसी भी सामान्य बियर जैसा ही होता है। वेल दोस्तों, अगर आप भारत के हैं और भारत में बियर पीने का शौक रखते हैं तो आप इस कंपनी से जरूर बच करके रहें। और अगर आप कभी भारत से बाहर जाते हैं जहां पर इस कंपनी की बियर उपलब्ध है तो भी वहां इसे लेने से साफ तौर पर इनकार कर दें, नहीं तो आप भी इंसानों के पेशाब से बने बियर पीने के आदि हो जाएंगे। हालांकि बियर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे दूर रहा जाए तो ही बेहतर है। इंसानों के पेशाब से बनने वाली बियर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल को अगर किसी भारत में मौजूद कंपनियों ने भी इस तरह का कोई खुलासा किया तो फिर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।